पूनम मोनी मुगल विस्तृत। अब ऐसी स्थिति में ये सेलेक्ट करना बड़ा ही द्रोहकारी है कि कौन सा आपके लिए बताना उपयुक्त है, कौन सा छुपाना उपयुक्त है। तो कोशिश करके उन्हीं स्रोतों को इसमें एकत्र किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है और ज्ञान के लिए तो नहीं है, क्योंकि ये जानने से ज्यादा जरूरी ये भी जानना है कि कौन सा आपके लिए उपयोगी नहीं। हेलो शानवी सपना, सूफी आंदोलन का एक पोर्शन बाकी है, इसको हम कवर करेंगे अगले डाउट क्लियरिंग सेशन में। क्योंकि हमारे पास कंटेंट इतना ज्यादा होता है लेकिन टाइम बड़ा लिमिटेड है, और अभी पेपर वन में भी बाकी है थोड़ा सा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, इसको हम कवर करेंगे पेपर वन के डाउट क्लियरिंग में। हेलो प्रीति, सबसे पहली बात कि मुगलों को मुगल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चंगेज खान के वंशज थे और ये मंगोल थे। मंगोलों को अगर हम मंगोल कहने लगे, लेकिन इसमें मिश्रित रक्त था, एक तैमूर का भी रक्त था, इसलिए बीच का एक नाम निकाला गया मंगोल मुगल। मंगोल के वंशज होने के कारण अब मुगल वंश का संस्थापक है बाबर भारत में, कल हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। शेयरिंग अभी चल रहा है क्या सपना? वो तो मैंने सुना था कि वो बंद हो गया। जैन में मतलब भारत की यह स्थिति है, कोई बात नहीं सपना, रेगुलर है ना। अगर ये भारत है तो यहाँ जो इलाका है सेंट्रल एशिया का, इसको हम बोलेंगे मारवा उन नहर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस ऑक्सियाना। यहां से मुगल आए थे भारत, खासकर बाबर आया था भारत। ट्रांसऑक्सियाना का सबसे बड़ा शहर है समरकंद, और यही का शासक था तैमूर। मुगलों ने अपने आप को कहा है तैमूरिया चगताई तुर्क, ये कभी अपने आप को मंगोल नहीं कहते थे। इनको तैमूरिया चगताई तुर्क होने में बड़ा गर्व था, और इनकी मातृभाषा मुगलों की चगताई तुर्की थी, फारसी नहीं थी, चगताई तुर्की। राजभाषा फारसी थी, मातृभाषा जो थी, लेकिन चगताई शाखा का नाम पड़ा है चंगेज खान के दूसरे बेटे के नाम पे। चंगेज खान के दूसरे बेटे का नाम था चगताई। 16वीं सदी में जब भारत में यूरोपियों का पदार्पण हुआ तो यूरोपियों ने सबसे पहले इस वंश के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। मुगलों ने अपने लिए कभी भी मुगल शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो मुगल जब
एग्जिस्ट करते थे उस जमाने में तीन साम्राज्य पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते थे और चौथे साम्राज्य के रूप में इनकी गणना थी। चीन में मिंग साम्राज्य, फारस में सफावी साम्राज्य, इधर तुर्की में ऑटोमन और इधर भारत में मुगल। ये विश्व के वो साम्राज्य थे जो उस जमाने में सबसे महत्वपूर्ण थे। तो इन्होंने भारत में आकर के नाना प्रकार के उपक्रम, नए नए उपक्रम किए और बहुत सारे अंग्रेजों ने इनके बारे में रिसर्च किया। बेसिकली इनके ऊपर रिसर्च भारतीयों का कम है, अंग्रेज ज्यादा है के आधुनिक इतिहासकार। मुगल चित्रकला पर सोम प्रकाश नाम के ऑथर ने लिखा है मुगल पैटर्न्स एंड देयर वर्क्स, मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स। इन किताबों के नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए याद करना जरूरी है। पर्सी ब्राउन का है इंडियन पेंटर अंडर द मुगल्स। मध्यकाल में आया था डब्ल्यू फॉस्टर, इसने किताब लिखी है अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। इसमें यूरोपीय यात्रियों का विवरण देता है। मोरलैंड की दो विश्व प्रसिद्ध कृतियां हैं, बार बार मोरलैंड मोरलैंड। अच्छा, राष्ट्रीय के वेश में आए हो आदर्श, वेरी गुड। इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, बड़े दिनों बाद आए, कहां थे? एंड फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, ये दोनों किताबें मोरलैंड की। स्मिथ की किताब है अकबर द ग्रेट मुगल और आरपी त्रिपाठी ने लिखा है राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। अच्छा, कल आपका बर्थडे था, वेरी गुड, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो मुगलों के बारे में एक विद्वान है फ्रैंक पर्लिन, इन्होंने भी काफी कुछ उजागर किया है। और एक सिद्धांत है फितना, आंद्रे विंक ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, फितना क्या होता है। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि मुगल काल में भारत पहुंचा प्रथम अंग्रेज फादर था थॉमस इन स्टीवेंस और फतेहपुर और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था राल्फ फिच। जहांगीर के दरबार में प्रवेश करने वाला पहला अंग्रेज था हॉकिंस, जबकि दूसरा अंग्रेज था पॉल कॉलिंस। एक और थे 1740 में शेख अली हाजिम, 1670 में फ्रांसीसी यात्री थे अब्बे कैरिक, 1690 ईस्वी में भारत की यात्रा की ओविंगटन ने। तो ये सब कुछ कुछ अंग्रेज यात्रियों ने बड़ा ही विस्तृत विवरण दिया है मुगल वंश का और उन्हीं के आधार पर हम वर्तमान में जानते हैं मुगलों के बारे में। वास्तविक संस्थापक है इनका बाबर, नहीं संस्थापक है बाबर, वास्तविक संस्थापक है अकबर। अब संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में है अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है?
जो इंट्रोड्यूस करता है शासन को वो संस्थापक है, और जो शासन को सुदृढ़ करता है वो वास्तविक संस्थापक है। एस्टैब्लिश करना, तीन जगह इनकी राजधानियां रही, एक आगरा, अकबर ने थोड़े समय के लिए फतेहपुर सीकरी को भी बनाया था, और दिल्ली में शाहजहानाबाद। इन्होंने हिंदुओं से भी विवाह करने में गुरेज नहीं किया, हिंदू मां के भी संतानें थी, जैसे जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह, बहादुर शाह द्वितीय, ये इतने मुगल बादशाह थे जिनकी माएं हिंदू थी। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन सा है? सर्वाधिक कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक? वेरी गुड, आदर्श, रफी उद दसरात। तो मुगल शासकों का ये क्रम है, ये क्रम है। इन मुगल शासकों के टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य का ग्राफ ऐसे उठा और यहां तक डिक्लाइन किया। ये मुख्य मुगल शासक थे। बाबर यहां पे स्थित है, शाहजहां यहां पे स्थित है, औरंगजेब यहां पे स्थित है, और उत्तर मुगल काल में ये यहां तक पहुंच गया। इसमें बाकी एक दर्जन मुगल शासक, इसमें बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद शाह रंगीला, और थोड़ा बहुत बहादुर शाह जफर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब धरती पर बोझ थे। इन्होंने ना कोई सांस्कृतिक योगदान दिया, ना राजनीतिक सुदृढ़ीकरण किया, कुछ भी नहीं किया। नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक, ये 15, ये कॉमन सेंस की लगा लो। तो जो जिन नाम से इनको हम जानते हैं, ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इनके असली नाम ये बिल्कुल नहीं थे, ये सारी उपाधियां हैं। जो नाम इनके जीवन काल में प्रयुक्त हुए हैं वो बिल्कुल अलग है। बाबर का असली नाम है जहीरुद्दीन, हुमायूं का नासिरुद्दीन, अकबर का जलालुद्दीन, जहांगीर का सलीम, शाहजहां शिहाबुद्दीन, औरंगजेब या आलमगीर प्रथम का मुहीउद्दीन, बहादुर शाह प्रथम का मुअज्जम, शाहजहां द्वितीय का रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला का रोशन अख्तर, आलमगीर द्वितीय का अजीजुद्दीन, आलम शाह द्वितीय का अली गौहर, ये इनके नाम। तुर्कों के बाद एक केंद्रीय शासन की आधारशिला इन्होंने भारत में रखी। और ये मुगल कहां से आए थे भारत में? मारवाऊ नहर या ट्रांस ऑक्सियाना से। आलमगीर शाह प्रथम का मौज जीवन बिल्कुल नहीं थे, ये सारी उपाधियां हैं। जो नाम इन जलालुद्दीन, आलम, ये यहां है भारत की स्थिति। अगर अब ये मारवाऊ नहर या ट्रांसाक्शियन है कहां, ये यहां है भारत की स्थिति। अगर ये है तो ये यहां, ये है समरकंद। अब इन दोनों के बीच ओआसिस, दो नदियां बहती हैं, शी दरिया, अमू दरिया, और अराल सी में दोनों जाके मिलते हैं।
चलो सीमा, अराल सीमें मिलती हैं। तो ये जो जगह है ना, ये बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक रूप से सुंदर है। इसे कहते हैं नखलिस्तान, इंग्लिश में इसे कहते हैं ओआसिस। यही है ट्रांसऑक्सियाना। इसीलिए बाबर कहता है ना कि बाबरनामा में लिखा है कि भारत का मौसम अच्छा नहीं। बहुत कुछ बाबर नाम में लगता है, क्योंकि कंपेरेटिवली ट्रांसऑक्सियाना की अच्छा नहीं था। तो ये तो था इंट्रोडक्शन मुगलों का। अब हम बात करेंगे मुगल इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ मुगल हिस्ट्री। मुगल इतिहास के स्रोतों में सबसे अच्छा, इन बादशाहों के साथ एक और भी विशेषता है कि ये बड़े ही स्कॉलर लोग हैं। ये योद्धा भी हैं और विद्वान भी हैं, कवि भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, मल्टी टैलेंटेड पीपल। और मुख्य मुख्य जितने भी थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा जरूर लिखी है। जैसे बाबरनामा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बायोग्राफीज में से एक मानी जाती है। बाबर की आत्मकथा है जिसको तुर्की भाषा में लिखा गया, और मैडम बेवरीज ने जब इसका अंग्रेजी अनुवाद किया तब पता चला कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। भारत में इसका उर्दू अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने 1590 ईस्वी में। फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, और उर्दू अनुवाद किया था इसका मिर्जा नासरुद्दीन हैदर ने बाबरनामा। तो भारत में बाबर ने किस तरह से स्ट्रगल किया है, इसी बाबरनामा से ही पता चलता है। भारत की राजनीतिक दशा, उत्तर और दक्षिण भारत के राजवंश, यहाँ की लड़ाइयाँ, पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, खासकर अपनी अपनाई गई टेक्निक तुगलुमा युद्ध पद्धति, इसकी भी विस्तार से वो जानकारी देता है। बाबरनामा में लिखता है कि हिंदुस्तानियों ने खुल करके इससे दुश्मनी निभाई है। ये भी कहता है कि मेरी सेना जहां जहां तक जाती थी, हिंदुस्तानी गांव गांव छोड़ के भाग जाते थे, अपने घरों को आग लगा देते थे और कुएं में जहर डाल देते थे ताकि हमारी प्यासी सेना या प्यासे घोड़े पानी पिए तो मर जाए। और कई बार ऐसी घटनाएं घटी भी, पानी पीते थे मर जाते थे। तो इसको तुजुके बाबरी भी कहते हैं, वाकियाते बाबरी भी कहते हैं, बाबरनामा भी कहते हैं, एक ही किताब। और ये टर्की लैंग्वेज में, 13 साल की उम्र थी बाबर की जब उसने सत्ता के लिए संघर्ष शुरू किया था। तब से लेकर के जब तक हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पे काबिज नहीं हो गया, समरकंद से लेकर के काबुल और फिर दिल्ली तक किए गए सत्ता के संघर्षों को उसने बड़ी ही बेहतरीन ढंग से लिखा। अगर बाबरनामा का हिंदी अनुवाद आप पढ़िएगा तो मजा आएगा। ऐसे लिखता है कि जैसे वो कोई मझा हुआ लेखक है, मैंने पढ़ा है, कोई मझा हुआ लिखा कि कोई नॉवेल लिख रहा है, और बातचीत की शैली में लिखा है, कन्वर्सेशन की शैली में। उस समय का समाज कैसा था, तत्कालीन समाज, इसका एक दर्पण है, दस्तावेज। और उसकी ये जो लैंग्वेज की फ्लो है ना, ये उसके अद्भुत साहित्यिक क्षमता, प्रकृति प्रेम और रुचि को दिखाता है, क्योंकि साथ साथ में नेचर की भी बात करता है। हालात ने तो इसको योद्धा बनाया था, इस किताब से पता चलता है, लेकिन था ये बेसिकली आर्टिस्ट, कला प्रेमी व्यक्तित्व। अब स्रोतों से भी प्रश्न आते हैं। जैसे ये प्रश्न है, बाबरनामा तुर्की में है और इसका उर्दू अनुवाद रहीम ने किया है, इसमें कौन सा कथन सही है?
पहला वाला बोल गलती से तब याद ना, तो बाबरनामा में बाबर भारत की जो महत्वपूर्ण जानकारी देता है वो लोगों के जीवन का रहन सहन, स्वभाव, यहाँ की जमीन कैसी है, जलवायु कैसा है, प्राकृतिक दृश्यों के बारे में भी बात करता है, नदियां, पशु पक्षी, फल फूल और यहां तक कि वास्तुकला, उद्योग धंधे, इन सब की ये बात करता है। और ये भी लिखता है साफ साफ कि हिंदुस्तान सोने चांदी और अपनी समृद्धि के कारण जाना जाता है। वर्षा के दिनों में यहाँ पे जलवायु बड़ी अच्छी रहती है। और ये भी लिखता है कि इसे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में गांव बस जाते हैं और थोड़ी ही देर में गांव उजड़ भी जाते हैं। गंगा नदी को इसने तैर करके पार किया था। यहाँ भी लिखता है कि मैंने उत्तर भारत की लगभग हर नदी को तैर करके पार किया, तैराक था अच्छा ये, और गंगा नदी को मैंने 2 बार तैर करके पार किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है और इसी के आसपास एक दूसरी रचना लिखी गई। सभी अपना वो सिम चेंज करो ना, या इंटरनेट का चेंज करो सिस्टम। हाँ सच्ची किया था, मैं ही टॉवल देता था जब नदी दूसरी तरफ जाता था, टॉवल लेके वही खड़ा रहता था कि गीले हो गए हैं पोंछ लीजिए। तभी तो मैं बता रहा हूं नर्मदा को तुमने पार कर दिया। नहीं, इंस्टाग्राम पे तो मैं आजकल दस्तक दे ही नहीं पा रहा हूं। झूठ तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि टावल इतनी नदी पार करने के बाद तो गीली हो जानी चाहिए ना, लेकिन गीली नहीं हुई थी। नेट के नाटक के खिलाफ आवाज बुलंद करो, सिम चेंज करके देखो जरा, एक दो सिम, सिम तो आजकल सस्ते में आ जाता है। दूसरी रचना है तारीख रशीदी। तारीख रशीदी, तारीख पे तारीख, ये बाबर के ही कजन थे, कजन ब्रदर, मिर्जा हैदर दोगलत। इन्होंने इसको लिखा था। छत पे टहलने में बुराई नहीं है, लेकिन छत पे बाउंड्री है ना, कहीं पलक झपकते धड़ाम ना हो जाए। बाउंड्री नहीं है, तुम मत टहलो, बैठ के देख लो। तो मिर्जा हैदर दौलत ने, इनके नाम से कोई गलतफहमी खाने की जरूरत नहीं है, 2 बार ये गलत नहीं हुए थे किसी काम में। ये इनका टाइटल है, दो गलत। बाबर के संबंधित है और इन्होंने बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत कुछ लिख मारा है।
डरने की जरूरत नहीं है, नेट धोखा देके क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आंखों देखी घटनाओं पर आधारित, क्योंकि दो गलत साथ में ही गुड़ खिलाते थे बाबर के, और इन्होंने ही पहले ही हुमायूं पे आरोप लगा दिया कि हुमायूं अफीम खाता है, हुमायूं को अफीमची बताया। और ये भी लिखते हैं कि हुमायूं जब एक बार हार गया तो दूसरी बार कैसे हिंदुस्तान को फतेह करना है इसका उपाय इन्होंने ही बताया था। तो ये तारीख़ रशीदी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। दूसरी रचना है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा बाबर की पत्नी थी गुलबदन बेगम, और अकबर ने खुद, सॉरी, बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। बेटी को पत्नी लिख दिया। अकबर ने खुद ही इनको लिखने को कहा था। हुमायूं की जीवन यात्रा का वर्णन है, और खासकर हुमायूं और कामरान के बीच युद्धों का वर्णन है। फारसी भाषा में यह लिखा है, फारसी तुर्की में। एक अलग रचना है, तास्किरात उल वाकयात। इसके लेखक कौन है? कहीं कहीं होली आज भी चल रही है क्या? होली या अन्य त्योहारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसी दिन आपका मोबाइल का मेमोरी फुल हो जाता है। इतने ग्रेटिंग्स, कल से मैं परेशान हो गया हूँ डिलीट कर करके। खैर, जौहर अफताब जी, ये रसोइये थे अकबर के। अकबर ने इनको आदेश दिया कि तुम एक किताब लिखो। फारसी लैंग्वेज में है ये। हुमायूं के जीवन के बारे में प्रमाणिक ग्रंथ है, और 1587 ईस्वी में हुमायूं के सेवक जौहर अफताबची ने इसको लिखा। तारीख है दौलत ए शेरशाही। ये शेरशाह सूरी के विषय में है। हुमायूं का रसोइया था, और अकबर के समय में भी खाना बनाना छोड़ा नहीं, क्योंकि मुगलों ने खाना खाना छोड़ा नहीं। तो कंटिन्यू करता रहा वो। हसन अली खान ने इसको फारसी भाषा में लिखा है, शेर शाह का प्रशासन और जीवन। एक तारीख शेरशाही है, वो अलग है।
उसकी रचना की है अब्बास खां शेरवानी ने। कभी कभी तारीख दौलत शेरशाही और तारीख शेरशाही दोनों में हो जाता है घोर कंफ्यूजन। तारीख शेरशाही भी शेरशाह के बारे में ही लिखी गई है, तो इसे कंफ्यूज नहीं करना है। ये तारीख शेरशाही है, इसके रचयिता है अब्बास खां शेरवानी, फारसी भाषा में है शेरशाह का जीवन, और इस ग्रंथ को लिखने का आदेश भी अकबर ने ही दिया था अब्बास खां शेरवानी को लिखने का। और 1588 ईस्वी के बाद ये ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ में शेरशाह और मारवाड़ के शासक मालदेव इनके बीच युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। इसका वर्णन किया गया है क्योंकि शेरवानी इस युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शी था। और शेरशाह सूरी ने राजस्थान में खासकर जो अपना विस्तार किया उसका आंखों देखा विवरण तारीख शेरशाही देता है। इसमें इसका कंटेंट क्या है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें ही प्रश्न पूछा जाता है कि इसके ऑथर कौन है। बस वाकियात मुस्ताकी, सुर काल क्या है, जब हम गाना गाते हैं तो उसमें जिस काल में हमारा सुर लग जाए, शाम से बैठ के गाना गाने लगते हैं ना बाबुल मरा, तो पहले सुर नहीं लगता, जब रात का तीसरा पहर हो जाता है तो सुर लगने लगता है। मोरा नहीं हर छूटो ही ना, वैसे क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं संजीदा नहीं था। घटना उस समय की है कि जब बाबर आया, बाबर चला गया तो मर गया तो अपने बेटे हुमायूं को गद्दी पे बिठा दिया। मिस्टर हुमायूं भी थे कमाल के, इनके तीन भाई थे अस्करी जिन्होंने कभी किसी की भलाई कभी नहीं करी, हिंदाल जो चीनी डाल के खाते रहे दाल, और कामरान। कभी हुमायूं को नहीं करने दिया आराम। अब हुमायूं भी हमारे बड़े आदमी, इन्होंने तीनों में अपने राज्य को बांट दिया, तो राज्य पहले से ही छोटा था, इन तीनों में बांट दिया। अब कभी आपने देखा होगा कि कभी आपके किसी कंटेनर में चीटे गिर जाते हैं, तीन चार चीटे ना, तो एक चीटा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी दो तीन इसको खींच देते हैं नीचे। तो इन तीनों ने हुमायूं के साथ यही किया, उनकी टांग पड़े खींचते रहे, कुछ करने ही नहीं दिया। इस लेग पुलिंग का फायदा लिया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कहते थे कि भाई मुगलों के आने के पहले लोधियों का शासन था, लोधी हमारे अफगान के थे और हम भी अफगान के थे, अफगानी अफगानी भाई भाई, तो उनके शासन पे हमारा दावा बनता है, मुगलों ने तो हमारा ही शासन कब्जा कर लिया है। तो बीच में कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया, बिलग्राम के युद्ध में हराया, हुमायूं भाग गया भारत छोड़, भागना पड़ा क्योंकि इसके भाई इसके दुश्मन हो गए, और ये फारस जाकर के कुछ समय तक रहा। भागते हुए भी अपना कर्तव्य करना नहीं भूले, और इनकी पत्नी बीच रास्ते में गर्भवती हुई और रास्ते में अकबर पैदा हो गए। अकबर अमरकोट के राजा वीर सालदेव के यहाँ पैदा हुए और अपने बच्चे को वहीं छोड़ करके भाग गया। वहां जाकर के इनके गुरु मिल गए, उनकी बेटी थी जवान बेटी हमीदा बानो। पूछा व्हाट इज योर फुल नेम, बोली हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो। तो अपने गुरु को एक बेटी को बता लिया, कहा कि वुड यू लाइक टू बी माई बेगम, शादी कर ली।
भागते हुए कोई शादी करेगा, भागते हुए कोई बच्चा करेगा, ये काम तो हुमायूं जी ने किया था। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है जब शेरशाह सूरी आते हैं, जब तक शेरशाह सूरी जिंदा रहा हुमायूं की हिम्मत नहीं हुई भारत में आए। और जब शेरशाह सूरी मर गया तो इसका बेटा आ गया इस्माइल खान। ये इस्माइल ही करते रह गए। फिर ये आता है और इनको हरा कर काबिज होता है खोए हुए सल्तनत पर। तो ये जो शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड, इसको कहते हैं सूर काल, सूर का टाइम, समझ गए जी। संजीदा, कितनी संजीदगी से मैंने समझाया आपको इस चीज की। और पहले वाला सोच रहे होंगे सर तो फालतू बात कर रहे हैं, वो फालतू बात नहीं कर रहा था। इतिहास के बिल्कुल नवोदभिद को भी पता होता है सूर काल किसको कहते हैं, मुगल काल किसको कहते हैं, सल्तनत काल किसको कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज। और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आप कम से कम एमए में तो हो गए, बीए तो पढ़ ही चुके हो ना। तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि सूर काल नहीं जानते। संजीदा मतलब था गंभीर। वाकयात मुस्ताकी, इसके लेखक है रिज़कुल्लाह मुस्ताकी, फारसी भाषा में लिखा है, लोदी और सूर काल पर प्रकाश डालने वाली पहली पुस्तक। और बहलोल लोदी के काल से अकबर के शासन के मध्य भाग तक का इन्होंने वर्णन किया है, रिज़कुल्लाह मुस्ताकी। इसके बाद आते हैं तारीख ए दाऊदी। कोई बात नहीं, क्या हुआ आपको ध्यान नहीं रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, आप संजीदा हो गए। कल वाली पीडीएफ, तुम किस पीडीएफ की बात कर रहे हो बांके बिहारी। नहीं, वो मेरी फ्रेंड थोड़ी ना थी, तो मैडम का नाम था अक्षा का और मेरी क्लासमेट थी। हम टूर पे गए थे सारे, मतलब पूरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट गया था सूफियों की दरगाह पे, तो जियारत करके निकल रही होंगी। यही काम तो मैंने किया है। तारीख दाऊदी, इसको लिखा है अब्दुल्ला। कब लिखा है? 983 ईस्वी में लिखा है, नहीं 983 ईस्वी में, 983 हिजरी में लिखा है, 1575 से 76 AD में लिखा है। बहलोल लोदी से इसका इतिहास शुरू होता है। और बंगाल के आखिरी सुल्तान जिनका नाम था दौड़ खान कर्रानी, वहां तक का इतिहास है इसमें लिखते हैं, दौड़ खान कर्रानी का। जो लोग बंगाल के निवासी होंगे उनको पता होगा कि दौड़ खान कर्रानी कौन थे। कोई है क्लास में बंगाल का? जानती हो दौड़ खान कर्रानी को? और इन्हीं कर्रानी को भी, कर्रानी को ही ये बुक डेडिकेट भी किया है इन्होंने, अब्दुल्ला जी ने। जिनको राजमहल की लड़ाई में 1576 में अकबर के सेनापति खाने जहां ने हरा दिया था। अब अकबर के टाइम पीरियड के बारे में इससे ऑथेंटिक राइटर अबुल फजल के अलावा और कोई हुआ नहीं। हालांकि ये अफगान सुल्तानों के रिकॉर्ड को अपना प्राइमरी सोर्स बनाने के बाद तारीख ए दाऊदी लिखना शुरू किया, लेकिन वहां के आम जनता के बारे में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन ये देता है।
लेकिन एक दुविधा उत्पन्न हो गई कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये घटनाओं का डिस्क्रिप्शन नहीं देता, यानी क्रोनोलॉजी नहीं है इसकी घटनाओं में, सीक्वेंस नहीं है। दूसरी विशेषता यह है कि ये फारसी लिखते लिखते कभी कभी ये हिंदी में लिखने लगता है, बीच बीच में हिंदी के दोहे भी मार देता है, और बंगाल के बारे में लिखते लिखते बीच में जौनपुर के बारे में भी लिखने लगता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री, छोटी छोटी कहानियां, और अब्बास खान शेरवानी की तारीख शेरशाही, और अहवाल ए हुमायूं बादशाह, इन सबको ये प्राइमरी सोर्स के रूप में यूज करता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन तारीख दाऊदी में मुगल काल के बारे में उपलब्ध है वो और कहीं नहीं उपलब्ध है, खासकर सूर सुल्तानों के बारे में जितना महत्वपूर्ण विवरण इसमें उपलब्ध रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण। अब सूर सुल्तानों के बारे में कोई भी लिखता है लाइक अब्बास खान शेरवानी, तो शेर शाह सूरी पर ज्यादा फोकस करता है क्योंकि सबसे महान वही था, लेकिन इसलिए इस्लाम शाह सूर पे फोकस किया जो कि सक्सेसर था। इस्लाम शाह सूर के ही टाइम में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बंगाल ने इंजॉय किया था और इसी का प्रतिनिधि था करलान। तो इसलिए ये बुक मेनली इंपॉर्टेंट है बंगाल के इतिहास के लिए, और इस बुक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय यह है कि ये बंगाल और दिल्ली सल्तनत के बनते बिगड़ते रिश्तों का आईना है। बुक वैलिड कैसे हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। वैलिडिटी क्रोनोलॉजी से नहीं आती, वैलिडिटी सामर्थ्य से आती है। नहीं, आखिरी नहीं है वो, सक्सेसर है, जस्ट सक्सेसर, अभी इसका नाम दिया ना थोड़ा पहले, आखिरी कैसे हो जाएगा? समझ नहीं पाई? क्या नहीं समझ पाई? तुम क्या नहीं समझ पाई? मैं ये नहीं समझ पाया। लास्ट फर्स्ट की छोड़ो, अभी सोर्स पे फोकस करो। हाँ जी, जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसी हो तबीयत, कैसी तुम्हारी? जी सर अभी तो ठीक हूँ। सर मैं ये नहीं समझ पाई कि इन्होंने जो बुक लिखा है उसमें इन्होंने क्रोनोलॉजी को कहीं मिस कर दिया, कहीं उन्होंने जिससे जिस इलाके से इन्होंने स्टार्ट किया था वो फिर किसी और एरिया के बारे में लिखने लगे। तो सर हम तो जानते हैं कि हिस्ट्री में बेसिक क्रोनोलॉजी ना हो, लेकिन घटनाओं का जो क्रम है अगर वो सीरीज मिस हो जाए तो कहीं ना कहीं तो वो मिस इंटरप्रेट करता है हिस्ट्री को। तो मैं यही बात समझ नहीं पाई कि ये बुक कैसे वैलिड होता है, बस इसलिए मैंने बोला समझ नहीं पाया। गुड क्वेश्चन, थैंक यू सर। अनिता जी, मुद्दा ये है कि ये क्रोनोलॉजी का जो सारा कुछ पैरामीटर सेट हुआ है, ये सेट किया है यूरोपियन हिस्टोरियंस ने, ये क्रोनोलॉजी का बड़ा बड़ी अपेक्षा और बड़ा इम्फेसिस उस जमाने में नहीं था जिस जमाने में इन्होंने किताब लिखी। इनकी किताब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सर्ड लिख दिया है कि अभी अभी का काल लिख रहा है फिर बैठ चला गया है, गंगा उल्टी नहीं भाई है, बीच बीच में डेविएट हुए हैं, बड़ा क्लियर क्रोनोलॉजी नहीं मतलब मिलता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी नहीं आता है, लेकिन बी ए के पहले भी नहीं आता है, सी बी के पहले भी नहीं आता है, थोड़ा सा उतना जितना अपेक्षा थी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन चूंकि एनेक्डोट्स और कविताएं भी बीच में शामिल कर रहे हैं अपने राइटिंग में ना, तो इसलिए ये कवि हृदय के व्यक्ति हैं, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवियों से हम ज्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन तो मिलता है। अब कोई भी किताब पे प्रश्न आप उठा, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी कोई चीजें लिखी, आईने अकबरी जैसे है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये तो मैं मानता हूं झूठ है। हो सकता है उस किताब को अकबर ने उसको प्रलोभन देकर के लिखवाया, वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज कैसे देगा, वो सब्जेक्टिव है। कोई भी किताब, बाबरनामा, बाबरनामा में बाबर ने बहुत सारी बुराइयां थी उसके जीवन में, उसने उसको शामिल किया नहीं किया, तो बाबरनामा को भी हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते। किसी भी किताब पर इस चीज को लेकर क्वेश्चन किया, लेकिन हमारे पास व्यवस्था है, इतिहास एक व्यवस्था प्राणी, इतिहासकार उसको जो भी चाहिए उसको सत्य मानने को भी पर है, क्योंकि अतीत में वो था नहीं और जहां था उसके बारे में कुछ लिखा गया नहीं। जी सर, क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट क्रोनोलॉजी इज नॉट, मेरी किताब है भारत में क्यों नहीं लिखा गया इतिहास में, किताब नहीं मेरी, मेरा एक वीडियो देखा आपने? जी सर मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं दिन भर यही क्लासेस बार बार देखती हूँ कि याद रहे सब। अच्छा, नहीं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे,
उसमें मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि क्रोनोलॉजी को नहीं लिखना ये बहुत प्रज्ञा की बात है। वो कैसे, 10-12 मिनट का वीडियो यू कैन वॉच, ठीक है ना सर? आपका बुक कब तक आ जाएगा? मेरा बुक 3 महीने में आ जाएगा। 3 महीने सर? हाँ, इसमें 1 महीना बीत गया है, बाकी 2 महीना और बचा है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन में उसी बुक से कर लूंगी। इतने सारे नोट्स मेरे पास है, 50+ कॉपी बनाई है मैंने सबके, तो ये सब ढूंढते ढूंढते मुझे वक्त लग जाता है। जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बुक में वही आएगा। तो ठीक है ना सर, एक ही बुक में सब मिल जाएगा? इतने सारे नोट्स, एक पूरा जगह उसके लिए सेपरेट करके रख दिया, ये मेरा बल का, ये मॉडर्न का, ऐसे सब पार्ट पार्ट करके दिखा है मैंने। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है जी सर। और कुछ नहीं सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो तारीख दाऊदी का समझ गया। अब आते हैं अकबरनामा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकबरनामा। आईने अकबरी इसका अंतिम भाग कहा जाता है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज। इसको शॉर्ट में इतिहासकार आईन भी कहते हैं, आईन। नहीं, तीनों अलग अलग, एकदम कलरफुल, सुंदर, जैसे मेरे स्लाइड होते हैं। सोलहवीं शताब्दी का ब्योरी का ग्रंथ है, अबुल फजल ने इसकी रचना की, और इसकी ब्यूटी यह है कि अकबर के, खासकर मुगलों के प्रशासन का एक दर्पण है, प्रशासनिक व्यवस्था। 3 खंड है इसके, इसके अंतिम खंड को कहा गया है अकबरनामा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली अकबर के बारे में ही लिखा है। और फर्दर ही अकबरनामा भी 3 खंडों में है। प्राइस वगैरह सब ईएन एकेडमी पब्लिश कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, वो डिसाइड करेंगे। मैंने लगभग 1000 पेज की एक बुक है। अबुल फजल का पूरा नाम है अबुल फजल ए अल्लामी, और ये किताब फारसी भाषा में, अकबर की आज्ञा से इसको लिखा गया, और 5 बार इसको एडिट किया गया, इसलिए शुद्धतम रूप में है। इसमें जो अबुल फजल का अप्रोच है वो इसको ऐसे लिखता है कि जैसे इंसाइक्लोपीडिया है। अबुल फजल ने खुद भी बताया है कि महान सम्राट की स्मृति को सुरक्षित रखना उसका उद्देश्य है, साथ ही साथ जिज्ञासु पाठक का पथ प्रदर्शन करना भी इसका उद्देश्य है। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में भारत, सबसे पहले इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था ग्लैडविन ने, ये कंप्लीट अनुवाद नहीं कर पाया, लेकिन आंशिक अनुवाद ग्लैडविन ने किया था। फिर ब्लॉकमैन ने किया था 1873 में इसका अनुवाद, और जेरेट ने किया था 1891 में। संपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद किया गया, 5 भागों में विभाजित है, 7 साल में पूरा किया गया। पहले भाग में अकबर के ही बारे में लिखा हुआ है, उसके दरबार, उसके जीवन, और पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे दूसरे भाग में राज्य, कर्मचारी, सैनिक, नागरिक, सिविल पद, वैवाहिक, शिक्षा संबंधी नियम, विधि, महाविनोद, राज दरबार के आस्तिक, प्रमुख साहित्यकार, संगीतज्ञों का विवरण है। तीसरे भाग में न्याय, प्रबंधन, कृषि, शासन संबंधी विवरण, 12 श्लोकों की सूचनाएं, उसके आंकड़े संकलित हैं। चौथे भाग में हिंदुओं की सामाजिक दशा, धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, और अब ये धर्म दर्शन भारत का लिखने के लिए संस्कृत का नॉलेज होना जरूरी था, और अबुल फजल को संस्कृत आती नहीं थी, तो अबुल फजल ने इस खंड को लिखने के लिए संस्कृत के विद्वानों को नियुक्त किया था, और ये खंड संस्कृत के विद्वानों से लिखा, और इसी में विदेशी आक्रमणकारियों का वर्णन, यात्रियों का, मुस्लिम संतों का। 5वें भाग में अकबर के समय समय पर जो भी कथन अकबर ने कहे हैं वो उसमें अंकित किया है, कोटेशंस, और इस ग्रंथ के अंत में उसने अपना भी जिक्र किया है। तो इस, देखो, इसके पहले जो भी ग्रंथ लिखे गए ना, हाँ इतना सिस्टमैटिक, इसके पहले जो भी ग्रंथ लिखे गए उसमें मुख्य रूप से फोकस ये है दरबार में राजनीति, षड्यंत्र क्या चल रहा है, कैसे कैसे सत्ता परिवर्तन हो रहा, वंश परिवर्तन हो रहा, पचड़ेबाजी बहुत ज्यादा। लेकिन आईने अकबरी एक बहुत ही क्लासिकल स्कॉलरली वर्क, इसमें पचड़ों और षड्यंत्रों की बात नहीं की गई, इसलिए, और बहुत ही सिस्टमेटिक शासन के बारे में, क्योंकि अबुल फजल शासन के बहुत निकट था, तो इसको कहा गया है भारत का पहला गैजेटियर। गैजेटियर समझते हो ना, गेस्टेड हॉलीडे होता है, राजपत्रित, राजपत्र। दूसरी बात है, पूरे मुगल काल की ऐसी रचना है जो धर्म निरपेक्षता को केंद्र में रख करके कुछ भी लिखा गया, एक उदात्त और लिबरल दृष्टिकोण की स्थापना की गई।
और ऐसा ग्रंथ अकबर के काल में ही लिखा जाता था, लिखा जा सकता था। इसलिए अबुल फजल को जो उपाधि दी गई है अल्लामी, अल्लामी का मतलब ही होता है बहुत बड़ा विद्वान। कुछ कुछ इस पर दोष लगाया जाता है, जैसे ब्लॉकमैन इस पर दोष लगाता है कि इसमें अकबर की बहुत सारी चाटुकारिता भी की गई। ब्लॉकमैन कहता है कि अबुल फजल इसलिए भी अकबर की इतनी प्रशंसा करता है क्योंकि उसे एक सच्चा नायक मिल गया था। अबुल फजल दो कारणों से प्रशंसा कर सकता है। पहला कारण तो यह था कि वो अकबर के विचारों से सहमत था, उसके धर्मनिरपेक्ष नीतियों से सहमत था, उसके सूफी अप्रोच से सहमत था। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अकबर उसका अन्नदाता था इसलिए उसकी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन अकबर के एटीट्यूड को देख के लगता नहीं कि वो चापलूसी पसंद व्यक्ति था, क्योंकि अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया उसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया कि मेरे धर्म को अपनाओ ही अपनाओ। हाँ, अकबर का टाइम पीरियड भी कुछ अलग था अन्य चीजों से, समझ गए। अब निजामुद्दीन अहमद ने भी एक किताब लिखी है तबकाते अकबरी, इसके तीन भाग हैं। और मुस्लिम शासन की स्थापना से लेकर के अकबर के 39वें वर्ष का विवरण है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तबकाते अकबरी क्यों इंपॉर्टेंट? पहली तो बात है फारसी लैंग्वेज में, और ये ऑफिशियल हिस्ट्री है मुगल काल की। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें डेट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में दिए गए हैं। निजामुद्दीन ने लिखा है तो इसको तारीख निजामी भी कहते हैं। और जब बदायूनी तारीख बदायूनी लिख रहा था तो उसने चोरी चोरी चुपके चुपके इस ग्रंथ को बड़ा नकल मारा था, इसको एज ए सोर्स यूज किया। तारीख बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, और अकबर के दरबार में ही ये इमाम था। इमाम समझते हैं ना, जो मस्जिद का मुखिया होता है। मस्जिद में जो नमाज पढ़वाता है उसको कहते हैं इमाम। तीन भाग हैं। पहले भाग में गोरी से लेकर के अकबर तक की घटनाओं का विवरण है, दूसरे भाग में 1594 ईस्वी तक के अकबर के शासनकाल का विवरण है, और तीसरे भाग में विद्वानों और संतों की जीवनियों का उल्लेख। अब्दुल कादिर बदायूनी फारसी भाषा का इतिहासकार था। इसका जो मेन काम है वो अनुवाद में। बदायूं में पैदा हुआ था, बदायूं यूपी में, और संभल में आगरा में इसने अपनी स्टडी की। पटियाला जाकर के एक पटियाला के राजा थे हुसैन खां, उसका नौकर बन गया, 9 साल तक रहा। दरबार फिर छोड़ करके अपनी शिक्षा जारी रखी और विभिन्न मुसलमान रहस्यवादियों के साथ स्टडी की। इसके बाद इनको 1574 ईस्वी में अकबर के दरबार में पेश किया गया, जहाँ अकबर इसकी स्टडी से बड़ा प्रभावित हुआ। ये काफी पढ़ लिख के आया, तो इसको ट्रांसलेशन के लिए लगा लिया कि हमारे बहुत सारे ट्रांसलेटर की जरूरत है, तो ये ट्रांसलेट करता रहा। तारीख बदायूनी और एक और किताब है इसकी, किताब अल हसीद हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के उपदेश इसने लिखा। ये किताब गायब हो गई भी है नहीं। मुंतखब तवारीख, इसका नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। मुंतखब तवारीख को ही तारीख बदायूनी ही कहते हैं। तारीख बदायूनी का मतलब होता है बदायूनी का इतिहास। इसमें इसने एक जगह अकबर की नीतियों की आलोचना करती है। मैंने इसलिए बताया कि तमाम जगह ये स्टडी किया, पढ़ा और मुस्लिम स्कॉलर्स के संपर्क में रहा, तो इसकी जो सोच और समझ बन गई थी वो कट्टरवादी बन गई थी, और अकबर था सेकुलर। तो इसने अकबर की आलोचना करनी शुरू कर दी कि यह गैर इस्लामिक होता जा रहा है। तो घटनाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया इन्होंने मिस्टर बदायूनी ने, लेकिन जब जहांगीर आए तो इनकी आलोचना के कारण इस किताब को बैन कर दिया गया, महत्व ही नहीं दिया गया। और बदायूनी ने रामायण और महाभारत का भी अनुवाद किया था। बाबर की मृत्यु विश्व से हुई थी, हुमायूं नामा में ऐसा गुलबदन बेगम ने लिखा है।
बोल नहीं आ रहा क्या? जागीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है तारीख तुजुके जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा है सिंहासन पर बैठने से लेकर के 17वें वर्ष तक का इतिहास। ये पूरा नहीं कर पाया, उसकी तबीयत खराब हो गई और इसने लेखन का कार्य मुकुंद खा को दे दिया, जिसने जहांगीर के शासन के 29वें वर्ष तक की घटनाओं को लिखा है। मुतमिद खा। फिर आता है इकबाल नामा, इसके भी लेखक है मुतमिद खा। इसके भी 3 भाग हैं और तैमूर से लेकर के हुमायूं तक का इतिहास इन्होंने लिखा है पहले भाग में, दूसरे भाग में अकबर का और तीसरे भाग में जहांगीर का इतिहास। पाशाहनामा, ये मुगल काल की वो रचना है जिसके 3 लेखक हैं। शाहजहां का इतिहास है, पहला लेखक है मोहम्मद आमिर काजवीनी, शाहजहां के 10 वर्षों का इतिहास ये लिखा है। लेकिन शाहजहां ने आगे घटनाओं पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि इसने आगे घटनाओं के लिए नूरजहां को दोषी ठहराया था। दूसरा है अब्दुल हमीद लाहौरी, इसने इसका नाम रखा है पाशाहनामा। 2 भागों में बांटा, तैमूर से लेकर के शाहजहां तक के 10 वर्षों का विवरण है और दूसरे भाग में अगले 10 वर्ष का विवरण है। इसका होगा ए, दोनों सही है। तीसरा लेखक है मोहम्मद वारिश, इसने जो बाकी काम बचे थे उसको पूरा किया। खाफी खां की एक किताब है मुंतकबुल लबाब, बाबर के आक्रमण से लेकर के मोहम्मद शाह के पहले 15 वर्षों का इतिहास। मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब का दरबारी था, बाद में हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क का दीवान बन गया, इसलिए अपने इस ग्रंथ को इसने मोहम्मद शाह को भेंट किया है। भीमसेन भी दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में लिखता है मुश्किल दिलकुशा, इसमें निष्पक्ष विवरण इन्होंने दिया है। इन किताबों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब। खुलासत उत्तवारीख सुजानदार खत्री की किताब है, इसमें महाभारत के पांडवों से लेकर के औरंगजेब के समय तक का इतिहास, तो महाभारत का वर्णन इसमें मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। कानून हुमायूनी एक ऐसी किताब है ख्वान मीर ने लिखा है, हुमायूं का आंखों देखा इतिहास, इसी में इसने हुमायूं को कहा है इंसान कामिल यानी कंप्लीट मैन। तोहफा अकबर शाही अब्बास खान शेरवानी, अकबर के आदेश पर लिखा गया और अकबर को ही समर्पित किया गया, ठीक है। तारीख रशीदी में हुमायूं को अफीमची कहा गया और इसके लेखक ने हुमायूं को भारत विजय को प्रेरित किया था। नौ बजे आज नहीं क्लास है और मंडे से शुरू होगी फिर। और भी कुछ हैं जिनके सिर्फ ऑथर के नाम आपको याद करने हैं, अहमद यादगार का तारीख शाही, मीर अलउद्दौला कजवीनी का नफाइस उल मनासिब इसमें मैच करने के लिए आता है, मोहम्मद शाले का मिले शाले, शादिक खां का तारीख शाहजहानी, ईश्वरदास नागर फतुहात आलमगिरी, शाकी मुस्तैद खां का मासिर आलमगिरी। इसको रट लेना है। इसके बारे में भी कुछ विशेषताएं ये हैं कि ईश्वरदास ने जय सिंह को औरंगजेब के दिमाग की चाबी कहा। जय सिंह ही शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब के रिप्रेजेंटेटिव थे ना, जिनसे पुरंदर की संधि हुई थी। मासिर आलमगिरी
साकी मुस्तईद खां की किताब, इसको मुगल गजट कहा जाता है क्योंकि सारे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इसमें है, और इसी में सतनामी विद्रोह की तुलना महाभारत से की गई है। और अबुल फजल ममूरी ने जागीरदारी संकट को बेगारी से जोड़ा है। और दबिस्तान ए मजाहिब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है मोहसिन फानी की, इसमें धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन मिलता है। उस जमाने में मुगल काल में जितने भी धर्म उपलब्ध थे, दबिस्तान ए मजाहिब की सर्वाधिक ख्याति है दीन ए इलाही पर इसके विवरण के कारण। दीन ए इलाही धर्म इन्होंने ही दिया था, इसका असली नाम था तौहीद ए इलाही। तौहीद का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर को मानना, एक ईश्वरवाद। तो दीन ए इलाही सबसे पहले इसी किताब में कहा गया। 17वीं शताब्दी से इसका संबंध है। तुलनात्मक धर्मों का अध्ययन इसमें मिलता है, फारसी लैंग्वेज में है, 1665 ईस्वी में लिखा गया है फारसी में, और दूसरी सबसे बड़ी बात है शाहजहां काल में लिखी गई थी। लेकिन इबादत खाना जो अकबर ने स्टैब्लिश किया था उसमें धर्म चर्चाएं क्या होती थी, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दबिस्तानी मजाहिब में मिलता है। इबादत खाने में अकबर और बाकी धर्माचार्य क्या बात करते थे। इसमें सत्य क्या है, जौहर अफताबची हुमायूं का रसोईया है, तारीख शेरशाही अकबर के आदेश पर लिखी गई, वाकयात मुस्ताकी में अफगान वंश का इतिहास है, और तारीख दाऊदी शेरशाह का इतिहास है। ओके, बंगाल का भी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दिल्ली सल्तनत को दिल्ली को नहीं डील करता या अफगान वंश को डील नहीं करता। तारीख दाऊदी वर्णन शेर शाह के शासन का विस्तृत विवरण है। थर्ड पॉइंट क्या है, वाकयात मुस्ताकी में अफगान वंश का इतिहास। अफगान वंश का इतिहास है, वाकयात मुस्ताकी, ये लोदी और सूर काल पर प्रकाश डालने वाली पहली पुस्तक है। कानवंशी हुआ ना लोदी वंश और सूर वंश। अरे कुछ भी है उसी के डायनेस्टी के बारे में बात कर रही है ना, प्रशासन हो चाहे क्रोनोलॉजी हो, है तो वही ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि अफगान वंश के बारे में बात ही नहीं करती। चलिए सत्र को ही विराम देते हैं, सभी को नमस्कार, मिलते हैं कल। शायद आपकी कोई क्लास नहीं है संडे, कल संडे एंजॉय कीजिए, मंडे से फिर नए सिरे से मिलते हैं 6-9 और 2 क्लास, तब तक सभी को बाय बाय।